भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप शाही पहुंचे फरुखाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने भाजपा पर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया उन्होंने। राजीव गांधी की तारीफ करते हुए पड़े लड़े झगड़ा लेकिन मिलने का समय हमेशा मिला। राजीव गांधी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सभी प्रधानमंत्री उन्हें मिलने का समय दिया, लेकिन सन 2014 से लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 22 के विधानसभा चुनाव में हमने भाजपा का समर्थन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से आज तक हमें मिलने के लिए समय नहीं दिया है। ऐसा बात न मानने पर किसान क्रांति दल 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और भारतीय किसान यूनियन भानु अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसी के हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान भारत मोदी ने बना दिया है। पत्रकारों के लिए आपने कुछ आवाज उठाने की बात कही थी। देश में इस समय डिजिटल इंडिया के पत्रकार बहुत हैं, डिजिटल मीडिया के। उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रही है, जबकि राजस्थान की सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। उसके लिए आप क्या सोचते हैं? राजस्थान की सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री से 85 में मिला था। राजीव गांधी ने 1 घंटे की मुलाकात में ये ऑर्डर कर दिया था कमिश्नर आगरा और डीएम एटा को कि भानु प्रताप सिंह जो कहें वहीं सड़क बनाओ, भानु प्रताप कहें वहीं बिजली लाओ, भानु प्रताप कहें वहाँ पीने का पानी 20 से मिलाओ, डायरेक्ट सप्लाई दो, टैंक बाद में बनेगा। लेकिन भैया वो नहीं रहे, उसके बाद कुछ भी कह लो, लेकिन ये आजकल जो प्रधानमंत्री हैं एक बात बताओ, मिलते ही नहीं है तो काम क्या कर पाएंगे? मिलने में इनका कौन सा तेल खर्च हो रहा था? अरे लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हम कहते कहते बाबर चौधे हो गए, 10 साल होने को जा रही हैं, जो मिलते नहीं हैं तो तुम्हें का देंगे और हमें का देंगे? वे तो मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं, जैसे अडानी जी हैं, जब चुनाव हुआ 10-20-50 करोड़ ले लिए चुनाव में और मैं बनारस में जीते, बसें मंगा ली गुजरात से, अब के हम देखेंगे कैसे जीतेंगे। जय जय श्री।